नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा संजू फिल्म के 25 दिन के कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ बताएंगे जानवी कपूर और ईशान खट्टर की इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म धड़क के 4 दिन के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईशान खट्टर और जानवी कपूर की नई रिलीज फिल्म धड़क के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, धड़क मराठी ब्लॉकबस्टर फिल्म सैराट का रीमेक है और जैसे सैराट मराठी में ब्लॉकबस्टर हुई थी उसी तरह धड़क भी बॉलीवुड में सुपरहिट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ इस फिल्म ने अपने पहले दिन 8 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया था, वही दूसरे दिन इस फिल्म ने लगभग 11 करोड़ कमाए और तीसरे दिन की बात करें यानी संडे की, तो इस फिल्म ने संडे को कमाए थे 13 करोड़ 84 लाख रुपए और इस फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी मंडे को वर्किंग डे होने के कारण भी अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने मंडे यानी चौथे दिन लगभग 7 करोड़ का कलेक्शन कर लिया और इसी के साथ इस फिल्म ने 4 दिन में 40 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। आपको बता दें इस फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 70 करोड़ कमाने होंगे। दोस्तों 40 करोड़ तो हो चुके हैं लेकिन आने वाले एक हफ्ते में ये फिल्म 70 से 80 करोड़ तक आराम से जा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, ये फिल्म कितना कलेक्शन करेगी, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म संजू के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, संजू ने अपने पहले दिन से ही धुआंधार कमाई करना चालू कर दिया था, जहां इस फिल्म ने अपने पहले दिन 34 करोड़ कमाए थे और दूसरे दिन 46 करोड़। इसी तरह इस फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और देखते ही देखते इस फिल्म ने 6 दिन में ही 200 करोड़ का क्लब भी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन इस फिल्म ने वो करिश्मा भी कर दिखाया जो इस साल बड़े सुपरस्टार की फिल्म नहीं कर पाई। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने अपने 20वें दिन 300 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली। जहाँ सलमान की रेस 3 भी नहीं ले पाई थी, वहाँ संजू ने 300 करोड़ क्लब में एंट्री मार ली। आपको बता दें इस साल सिर्फ 2 ही फिल्में हैं जिन्होंने 300 करोड़ क्लब में एंट्री ली। पहली फिल्म है पद्मावत जिसमें रणवीर सिंह थे और दूसरी फिल्म है संजू जिसमें रणवीर कपूर है। अब दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के 25वें दिन के कलेक्शन की, इस फिल्म ने अपने 25वें दिन यानी सोमवार को लगभग 2 करोड़ का कलेक्शन किया और इस फिल्म की अब तक की टोटल कमाई इंडिया में हो चुकी है 20 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म अब 350 करोड़ क्लब से सिर्फ 2 कदम दूर है। आने वाले 3 से 4 दिनों में फिल्म 350 करोड़ कमाने में कामयाब हो जाएगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, फिल्म 350 करोड़ ही कमाएगी या 400 करोड़ तक भी कमा सकती है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।